एक बार सभी को मेरा जय हिंद। आप लोग जैसे कि जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा ये कोई इंसान नहीं, ये फौलादी है, फौलादी पुरुष। इसका तुलना किसी से किया नहीं जा सकता। तो आज का ये वीडियो इंडियन आर्मी के लिए, आज का ये वीडियो कैप्टन मेजर बत्रा के लिए, विक्रम बत्रा के लिए। तो सभी को एक बार जय हिंद करके कमेंट कर दीजिए। आज हम लोग शुरू करेंगे, जहां खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। तो रूल को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 82 रूल है, जितना जल्दी हो सके रूल को खत्म करते हैं। सभी को मेरा जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया, जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये जो वर्ड है ये सारा वर्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो कहता है कि अगर आप इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए, अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता हो, ये सब जितना भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इन सब इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग जब कभी भी अनिश्चित व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तब इसे सिंगुलर माना जाएगा। तब इसे क्या होगा, तब इसे सिंगुलर माना जाएगा। और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन, और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, जैसे कि ही हिम हिमसेल्फ। जब कभी भी हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी अनिश्चित व्यक्ति के लिए करेंगे, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा और इसको सिंगुलर माना जाएगा, ना कि इसके साथ दे, देम, देमसेल्फ, वन, वन, वनसेल्फ। इन सब का प्रयोग हम लोग कभी भी इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं करेंगे। क्लियर है? नोट नंबर वन में देखिए कह दिए हैं कि एवरीबॉडी से लेकर एनीवन तक, एवरीबॉडी से लेकर के एनीवन तक, ये जितना भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इन सभी को अगर हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जब कभी भी हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को किसी भी सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और इसको सिंगुलर भी माना जाता है, और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। अब वो प्रोनाउन है ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कहता है कि एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। तो एवरीवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका लिस्ट हम आपको ऊपर दे चुके हैं जो पढ़ाई दे इसके बारे में। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मैंने फॉर्मूला में कह चुका है, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो वाक्य हम लोग का बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एवरीवन वांट्स दिया हुआ है, तो वांट्स क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस हो गया सही। लेकिन यहाँ पर जब वांट दिया हुआ है तो यह है प्लुरल वर्ब। वांट क्या है, प्लुरल वर्ब है, तो इसीलिए ये सेंटेंस हो गया गलत। उसके बाद देखिए कहता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो वन सेल्फ और देम सेल्फ क्या है, जी नहीं, वन सेल्फ और देम सेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ जो है हम लोग का सिंगुलर प्रोनाउन है, और ये हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ ये सेंटेंस हुआ बिल्कुल सही। एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। वन सेल्फ और देम सेल्फ देखिए ऊपर में लिख दिए हैं कि वो गलत है। वन सेल्फ और देम सेल्फ प्लुरल में आता है, ना कि सिंगुलर में आता है।
उसके बाद देखिए एवरीबॉडी फिर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो वंस हम लोग का सिंगुलर नहीं है इसलिए बिल्कुल हो गया गलत, और ही हम लोग का यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए ये हो गया सही है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नोट नंबर टू की ओर। नोट नंबर टू में कहते हैं कि जब की क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में, जब कभी भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग रहेगा और सेंटेंस में इनडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग होगा, जैसे कि एवरीबॉडी से लेकर के एनीवन तक जितना भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है उसका अगर प्रयोग होगा, तब इन इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ दे का प्रयोग होगा ना कि ही का प्रयोग। हम लोग हमेशा दे का प्रयोग करेंगे ना कि ही का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला नंबर एग्जाम्पल में कहता है एवरीवन क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कैन नॉट हेल्प यू कांट दे, यहाँ पर कांट दे लगाया हम कैन दे, यहाँ पर बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू कैन ही, तो हम लोग यहाँ कह दिए कि ही का प्रयोग नहीं होगा, तो ही लगाए तो ये गलत हो गया, इसकी सेंटेंस नीचे वाला गलत है और ऊपर वाला सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में देखिए कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग, देखिए एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अनिश्चित व्यक्ति के बारे में, रूल नंबर 24 में पढ़ रहे हैं हम लोग अनिश्चित वस्तु के बारे में, के लिए होता है, इसके सिंगुलर माना जाता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, इन सबको क्या करेंगे हम लोग सिंगुलर मान लेंगे, तथा इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन, इसके साथ क्या प्रयोग होगा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, जैसे कि इट इट्स इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही हिम इज हिमसेल्फ दे देम देयर देमसेल्फ वन वंस वनसेल्फ का, तो इतना सारा का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग किसका किसे होगा सिर्फ इट इट्स और इटसेल्फ, ये तीन का ही, ये तीन सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा, किसके साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जब हम लोग अनिश्चित वस्तु के बारे में बात करेंगे तब। उसके बाद देखिए नोट नंबर वन में क्या कहता है, कहता है कि एवरीथिंग से लेकर के एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे, जैसे कि पहला क्या है एवरीथिंग हम लोग का क्या है, यहां से उठा लिए एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन, लुक्स हम लोग का क्या है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, यहाँ साफ कह दिया कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होगा एनीथिंग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम लोग का इंडेफिनिट क्या है प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए, और इसके साथ इटसेल्फ का प्रयोग किए, क्या कहा कि सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा, तो इटसेल्फ यहाँ पर सिंगुलर है ना, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किए तो सेंटेंस हम लोग का सही हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके साथ प्रयोग किया हम लोग सिंगुलर वर्ब का, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो प्रोनाउन लगाए हैं लास्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, ये सारा हम लोग गलत प्रोनाउन लगा दिए, यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन होने से ये सही होता, यहाँ पर गलत प्रोनाउन लगा दिए इसलिए ये सेंटेंस गलत है। उसके बाद देखिए एवरीथिंग क्या है, यहाँ से उठा लिए हम लोग एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर क्या है एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, हैज हम लोग हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इट्स लगाए हैं, यहाँ से हम लोग इट्स को उठाए तो यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यहाँ पर देखिए देयर है, वंस है, इज है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्लियर है। आगे हम लोग इसका देखेंगे नोट नंबर टू। नोट नंबर टू में सात शब्दों में लिख दिया है कि क्वेश्चन टैग अगर रहेगा हम लोग का इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ तो इसके साथ हमेशा इट का प्रयोग होगा ना कि दे का, जब कभी भी क्वेश्चन टैग रहेगा तो हम लोग हमेशा इट का प्रयोग करेंगे ना कि दे का। एग्जांपल देख लीजिए एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, क्लियर है सेंटेंस सही है, इट का प्रयोग करेंगे हम लोग सेंटेंस सही होगा, अगर यहाँ पर हम लोग डजंट दे लिख देंगे तो हम लोग का वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग रूल नंबर 24 तक कंप्लीट किए हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे कल रूल नंबर 25 से, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, और आज का वीडियो डेडिकेटेड किया हुआ है इंडियन आर्मी कैप्टन विक्रम बत्रा को।